बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ मीनू सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, कल ही जो है शहबाज शरीफ को 14 साल के बाद मजबूरन जो है चौधरी बिरादरान के दर पर जाना पड़ा और तरीके अदबे जमात की हिमायत के लिए। तो कहा यह जा रहा है अभी तक की जो इतलात मौकूल हुई हैं उसके मुताबिक तो नवाज शहबाज शरीफ साहब ने जो है चौधरी बिरादरान से बात ही नहीं की तरीके अदबे जमात पेश करने की या उनकी हिमायत मांगने की। तो मतलब लग यही रहा था कि शहबाज शरीफ शायद को ये शहबाज शरीफ साहब को ये पता लग गया था कि चौधरी बिरादरान जो है उनको बिल्कुल साफ मुंह पर जवाब देने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने बात करना गवारा ही नहीं समझा और बिल्कुल खैरियत दरियाफ्त करके और फूल पेश करके वापस आ गया। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और जैसा कि आप भी जानते हैं, खैर के आसिफ अली जरदारी को जो है वो सियासत का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और वह उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है इस हवाले से, सियासत के हवाले से। तो जब भी कुछ मुल्क में कुछ ऐसी पेशरफ होती है तो यकीन उनका किरदार बिल्कुल वाजे रहता है और यही एक वजह थी कि जो है यही दिमाग ही था, यही चाल ही थी आसिफ अली जरदारी की गई कि जब पीडीएम इकट्ठी हुई और पीडीएम में रहते हुए फिर जब जो है सेनेट का चेयरमैन बनाया गया इनको यूसुफ रजा गिलानी को और फिर उनको अपोजिशन लीडर भी वहां मुंतखब करवा दिया गया और उसके बाद पीडीएम से वो अलहदा हो गया। गैर जरदारी साहब को जो अपने मकासद चाहिए थे वो उन्होंने पूरे कर लिए थे तो वो अलहदा हो गया। अब एक बार फिर जब जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीडीएम पीपल पार्टी के बगैर कामयाब नहीं हो सकी हुकूमत के खिलाफ, तो एक बार फिर जो है पीडीएम को आसिफ जरदारी के पास जाना पड़ा और फिर आसिफ अली जरदारी ने अपनी बात मनवाई और फिर उसी मुस्लिम लीग नून ने जो है ये तस्लीम किया कि बिल्कुल हम गलत थे और बिल्कुल तरीके अदम-ए-इत्मीनान आनी चाहिए थी तो पीपल पार्टी दुरुस्त थी, तो अब हम पीपल पार्टी की तरफ जो है पीपल पार्टी की बात मानकर जो है तरीके अदम-ए-इत्मीनान लाएंगे और भरपूर मुहिम चलाएंगे। तो चंद दिनों में जो है ये मुहिम बड़ी तेज हो गई थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की यानी कि पीपल्स पार्टी की और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक डील हुई है और मुख्तदर हलकों ने जो है इस डील में अहम किरदार अदा किया है। ये खबर सामने आई है, एक नेशनल न्यूज पेपर ने यह खबर लगाई है, जराये से ये खबर लगी हुई है, मैंने भी पढ़ी है और मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। इस खबर के मुताबिक जो है मुख्तदर कोत ने जो है वो किरदार अदा किया है और इसके मुताबिक ये तय पाया है कि जो 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है पीपल्स पार्टी ने, वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत भरपूर जो है वो सपोर्ट फराहम करेगी, सहूलियात फराहम करेगी, कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी और उनको इस्लामाबाद भी पहुंचने में मदद फराहम की जाएगी और इस्लामाबाद पहुंचकर वो एक दो दिन के लिए धरना भी दे सकती है पूरी मतलब पीपल्स पार्टी और उनको भरपूर सपोर्ट किया जाएगा हुकूमत की जानिब से और बदले में जो है वो पीपल्स पार्टी गायबाना तौर पर मतलब कि जैसे कि पहले गिलानी की तरह जो है अपनी चाल चलेगी और इस जो तरीके अदम-ए-इत्मीनान पीडीएम या अपोजिशन लाना चाहती है उसमें वो अपोजिशन के साथ रहकर ही जो है वो उस तरीके अदम-ए-इत्मीनान को नाकाम बनाएगी और हुकूमत जो है उसमें कामयाब होगी तरीके अदम-ए-इत्मीनान में। तो ये शरायत कुछ सामने आनी है, ये अभी ये मुबीना तौर पर जो खबर लगाई गई है नेशनल न्यूज पेपर में खबर है और उसमें ये बताया गया है कि मुख्तदर कोत ने किरदार अदा किया और इस हवाले से जो आया है कि जब बिलावल भुट्टो गद्दारी मुल्तान पहुंचे थे तो उसी रात जो है शाह में मुराद अली शाह जो थे वलिया रफील वो भी पहुंचे और कुछ बात हुई उनके दरमियान, बिलावल भुट्टो गद्दारी और मुराद अली शाह के दरमियान रात को बात हुई और फिर वो रात को ही वापस चले गए थे मुराद अली शाह और फिर अगले दिन और एक वजीर सूबाई वजीर जो है वो वापस आए मुल्तान और उन्होंने आगे बिलावल को पैगाम पहुंचाया जिस पर बिलावल भुट्टो गद्दारी ने आमादगी जाहिर की और अब ये एक जो है मुबीना तौर पर ये एक मामला तय पाए हैं हुकूमत और पीपल पार्टी के दरमियान और अब पीपल पार्टी जो है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक बार फिर छुरा घोंपने के लिए तैयार हो चुकी है अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून और सुलेमान के पीठ में। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये एक खबर जो थी ये एक जराये से मालूम की गई है, वो दावा है जो अखबार जिस अखबार में खबर लगाई गई है उसने ये दावा किया है उस अखबार ने कि ये मुख्तदर कुवतों की जानिब से ये एक डील कराई गई है। और एक बात मैं और भी अभी देख रहा था कि अगर ये तमाम तर जो है जो पॉलिसी है ये अगर कामयाब ना हुई तो इसके बाद एक और ऑप्शन भी हुकूमत के पास मौजूद है और वो ऑप्शन है जो मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी रहे हैं चौधरी निसार अली साहब, नवाज शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं माजी में
وہ بھی جو ہے کردار ادا کر سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو ان کے ایم این اے یا ایم پی اے ان کے ساتھ ہیں وہ ان کو ملا کر جو ہے وہ اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو حکومت بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی بالکل, اور حکومت زور شور سے نہیں بلکہ اندر خانے جو ہے اپنی اس طریقے سے بات کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور تیاری مکمل کر چکی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو خبر لگائی گئی ہے جو ذرائع سے مبینہ طور پر ذرائع سے لگائی گئی ہے, اب یہ خبر کہاں تک حقیقت ہوتی ہے کہ اب واقعی جو ہے وہ یہ اگر عظیم اعتماد جو ہے ناکام ہو جاتی ہے اور اتحاد بھی ساتھ نہیں دیتے تو دیکھنا ہوگا کہ پھر پی ڈی ایم کیا کرے گی, کیا وہ پیپل پارٹی پر الزام لگائے گی یا نہیں لگائے گی, یا پیپل پارٹی کا آگے بیانیہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی تو ظاہر ہے تاریخ بھی نہیں دی گئی تھی اور یہ ایسی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, تو ظاہر ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور سیاست کو شاید بے رحم کھیل اس لیے کہا گیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں جلد ہی حاضر ہوں گا. اللہ حافظ و ناصر.